दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। हिमाचल होटल मजदूर झंडा यूनियन संबंधी सीटू के बैनर तले खिनली स्थित होटल इंटवॉर्न में एक मजदूरों का पैसा जमा न करने को लेकर ईपीएफ से हुई अचल संपत्ति कुर्की आदेश के बारे में एक प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त उपायुक्त महोदय से मिला व कार्रवाई की मांग की। यूनियन प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिलने पहुंचा, परंतु उपायुक्त की गैर मौजूदगी में अतिरिक्त उपायुक्त से मिला। अतिरिक्त उपायुक्त से मिला है, क्या मुद्दा है और क्या मांग है आपके? होटल यूनियन का होटल यूनियन संबंधी सीटू का एक प्रतिनिधि मंडल एडीसी साहब से मिला है, वो इस विषय पे मिला है क्योंकि होटल ईस्ट बॉन्ड के अंदर पिछले 2014 से लेकर जो पीएफ का पैसा मजदूरों का मालिक द्वारा जमा नहीं किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो पीएफ विभाग ने लेबर ज्वाइंट पीएफ कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर ने एक जो ऑर्डर 24 मई को निकाला है उसके ऊपर हमने एक जो है यहाँ एक ज्ञापन दिया है। उस पर हमारी तरफ से ये कि ये रहा है कि इसमें जो है आगे कार्रवाई की जाए कि और मजदूरों को जो है मिलाया जाए, क्योंकि पिछले लंबे टाइम से जो है मजदूर जो है ना तो न्यूनतम ना तो वेतन मिल रहा है, वहाँ पिछले 16 महीने से जो है मालिक ने ना वेतन दिया है और इसके साथ साथ ही जो वहाँ मजदूर काम करते हैं उसको अपने परिवार का पालन पोषण करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और एक तरफ से जो है सरकार ने जो है एक गाइडलाइन ये भी की है कि पीएफ से जो है मजदूर अपना पैसा निकाल सकता है, तो वो पैसा कहाँ से निकालेगा जब वो मालिक द्वारा उसको जमा ही नहीं किया गया है। और हमारी हमारी यही मांग है यहाँ से कि यहाँ से इसमें उचित कार्रवाई की जाए और मजदूरों को जो है न्याय दिलाए। लगभग कितने कर्मचारी है और जब आपने मालिक से मांग रखी तो क्या मालिक क्या कह रहे हैं? लगभग 135 मजदूर है जो वहाँ काम करता है और उसकी वो हमने ये बात रखी थी कि हम बीच में मालिकों के साथ बैठ के बातचीत भी हुआ है, पर मालिक ने माना है और वहाँ उसने पैसा जमा नहीं किया है और इस दौरान ही फिर जो है हमारे को इस कार्रवाई में आगे जाना पड़ा और इससे हमारा यही है कि आगे इस पे कार्रवाई की जाए। यदि जो है वो वेतन नहीं मिलता है क्या आगामी कदम रहने वाला है? नहीं, वेतन नहीं मिलता है, श्रम विभाग में हम पिछले 2 दिन पहले भी मिले थे श्रम विभाग में, हमारे को वहाँ से एक आश्वासन मिला है पर आश्वासन ही मिल रहा है पिछले 1 साल से। अगर श्रम विभाग के द्वारा अगर एक साल से जिस तरह से अपनी कार्य प्रणाली पर अगर वो भीड़ भैया रखा तो आने वाले टाइम में होटल यूनियन जो है प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी श्रम विभाग व्यवहार करेगी और इसकी जिम्मेवारी जो है श्रम विभाग की होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।